नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, जो वीडियो आप देख रहे हैं कोई वीडियो ट्यूटोरियल का वीडियो नहीं है, बेसिकली हमारे लाइव क्लासेस की वीडियो है। मिस्टर राहुल हमारे साथ ही जूम ऐप में क्लासेस ले रहे हैं और जूम ऐप में उनके एक क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ डेमो क्लास लेना चाहते हैं, जैसे कि क्लासेस लेना चाहते हैं तो डेमो के तौर पर आप 3-4 क्लासेस हमारी ले सकते हैं। तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पर जाइए और डेमो क्लास का फॉर्म भर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो राहुल जी, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूं आपकी क्वेश्चन को, तो बेसिकली मेरे पास एक सीपीटी नंबर है जो कि यूनिक होता है, ये डुप्लीकेट नहीं होता है, बट क्लेम डुप्लीकेट हो सकता है, राइट? यस सर। और आपको यहां पे पेमेंट का स्टेटस पता चलना चाहिए, जिसमें 2-3 स्टेटस है, पार्ट पेमेंट, पेमेंट और पेमेंट डिनाइड, राइट? यस सर। तो पार्ट पेमेंट कब होना चाहिए, जैसे किसी की क्लेम नंबर अगर 5 जनरेट हुई है, उसमें से अगर किसी ने 3 दिया, 2 दिया, किसी 5 को 5 नहीं दिया, कम दिया, तो उसमें फुल पेमेंट होगा और जो ब्लैंक होगा उस पर ब्लैंक रह जाएगा, उसमें कुछ नहीं देना है। यस सर। किसी ने पूरा 5 का 5 या 4 का 4 पूरा कर दिया तो उसको फुल पेमेंट आएगा, और किसी ने 5 में से 1 भी पेमेंट नहीं किया, 4 में से 1 भी पेमेंट नहीं किया, तो फुल्ली डिस्काउंट आएगा, राइट? एग्जैक्टली सर। अब दूसरी चीज बताइए कि ये जो क्लेम नंबर है, क्या मतलब सीक्वेंस रहेगा, मतलब जैसे कि ये सीक्वेंस सारा ऐसे ही रहेगा या ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है? ये सर डायनेमिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे यहाँ पे। देखिए, मैं यहाँ पे काउंट करूंगा, काउंट इफ लगाऊंगा, इसको कई चरण करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे काउंट इफ लगाऊंगा, ठीक है? और मैं बोलूंगा क्लेम नंबर इस पूरे कॉलम में कितना है, राइट? तो ये आ गया 5। फिर मैं यहाँ काउंट इफ लगाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा कि इसमें एक क्लेम नंबर को काउंट करो और यहाँ इसमें जाओ और ग्रेटर देन 0 को, ग्रेटर देन 0 को काउंट करो। यस सर। रिकॉर्डिंग का परमिशन दे देना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसका एक रीजन जहां कि मैं समझ पा रहा हूं, ये आपका जो दिया हुआ है वो टेक्स्ट में है, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं होना चाहिए सर, ध्यान रखिएगा। यस सर। ये आपका नंबर होना चाहिए, डॉलर है तो सर डॉलर का साइन आप टाइप क्यों कर दिए, आपको यहाँ डॉलर का साइन में ये करना चाहिए था ना। यस सर। यहाँ से डॉलर का साइन जो होता है, यहाँ से साइन लगा दीजिए या कस्टम फॉर्मेटिंग लगा दीजिए, ठीक है? ठीक है सर। ये आप चेंज कर लीजिएगा, अगर नंबर में होगा, टेक्स्ट में होगा तो इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है। तो एक काउंट इफ्स क्या करेगा, ये बताएगा कि इसके रिगार्डिंग इस कॉलम में आया कितने पेमेंट्स है। यस सर। समझ गए? तो 5 पेमेंट है, आया 3 पेमेंट है। यस सर। यहां पे लिखूंगा कि इफ अगर एक इक्वल टू ए है तो यहां पे आना चाहिए फुल पेमेंट। समझ गए? यस सर। फिर कंडीशन लगा कि इफ ए जो है लेस देन इक्वल टू ए है, बट यहां पे अगर 0 भी तो लेस देन, हाँ नहीं, ये हो गया। इसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं कि अगर ए इक्वल टू 0 हुआ, yes, fully denied, तो यहां पर आना चाहिए फुल्ली डिनाइड।
जी और फिर हमने बोला कि इफ जी टू अगर नहीं नहीं माफ कीजिए, अब यहां पे करना है कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो और ए जो है इसमें दो कंडीशन देना पड़ेगा, एंड एंड अगर ए ग्रेटर देन जीरो और ए भी ग्रेटर देन जीरो है, दोनों अगर ग्रेटर देन जीरो है तो यहां आएगा पार्शियल ठीक है, अदरवाइज इसमें जहां पे हमने यहां देखिए एफ टू की वैल्यू है, कॉपी करता हूं, अब जहां जहां मैंने एफ टू यूज किया है वहां वहां एफ टू की फॉर्मूला आपको पेस्ट कर देता हूं, एक ही जगह पे यूज किया है मैंने, फिर वापस हम इसको कॉपी करते हैं जी टू को, और जहां जहां हम जीरो की फॉर्मूला को कॉपी किए हैं उसके जगह पे हम काउंट इफ का यूज कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसको कट करके यहां रखता हूं, कट करूंगा, देख लेता हूं कोई लिंक तो नहीं किसी से। हाँ, अब मैं नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देता हूं, क्लियर है? क्लियर तो मैंने क्या किया, सुनिए, मैंने क्या किया, सबसे पहले काउंट इफ लगाया और बताया, हमने चेक किया कि क्लेम नंबर इसमें रिपीटेड कितना बार है, ठीक है, फिर हमने यहां पे चेक किया कि इस क्लेम नंबर के अकॉर्डिंग पेमेंट में कितनी पेमेंट आई, अब यहां पे ध्यान पेमेंट पे कितनी ध्यान आई है, अब यहां पे चीज ध्यान रखिएगा, अब कोई बात नहीं ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अब यहां पे क्या है कि इसके अगेंस्ट में जितनी पेमेंट इस पूरे कॉलम में ऊपर से नीचे तक कहीं भी आई होगी उसका एक काउंट देगा थ्री, इस कंडीशन को बोला कि चेक करो कि क्या दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर मतलब कि जितने क्लेम नंबर है उतना ही हमारा आ क्या बोलते हैं पेमेंट है, तो यहां पे फुल पेमेंट हुआ है, और दूसरा अगर ऐसा ना हुआ तो चेक करो कि पेमेंट जीरो तो नहीं है, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, माफ कीजिएगा हमने गलती कर दिया, यहां ग्रेटर देन ये आपका काउंट इफ्स में ध्यान रखिएगा, काउंट इफ्स में यहां पे इक्वल टू जीरो होगा, ये फुली रिटायर्ड में डिपार्टमेंट में नहीं, और यहां पे ग्रेटर देन ये गलती थी, तो हमने बोला कि अगर ये दोनों बराबर है तो फुल पेमेंट, अगर पेमेंट जीरो है तो फुली डिनाइड, राइट, और दूसरा कि इसमें इसमें कोई वैल्यू है मतलब डी टू में कोई वैल्यू होना चाहिए और पेमेंट जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो वहां पे पार्ट पेमेंट आ जाए, एक मिनट फुल्ली निकाल के आ गया, इफ डी टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और काउंट इफ्स, ये ऐसा क्यों आया समझ में नहीं आ रहा, ये फुली डिनाइड क्यों आया, हाँ यहां पे ग्रेटर देन जीरो होगा, बन गया, आप इसको देख लीजिएगा, कोई होगी तो मुझे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है सर, मैं फाइल आपको भेज दूं, हाँ भेज दीजिए।
मिलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो देखा किस तरह से राहुल जी ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया और हमारी क्लासेस को कंटिन्यू किए। अगर आप भी चाहें तो हमारी इसी तरह से क्लासेस ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए, डेमो क्लास का फॉर्म भर दीजिए और दो चार क्लास हमारी डेमो लेके देखिए।